हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं वेलकम लाइव चैनल। तो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे ये करूँ कि अगर आप वीडियो को देखकर, मेरी इस यूनिफॉर्म को देखकर जो है डिसाइड करते हैं कि भाई आप तो यूनिफॉर्म पंप की पहनते हैं फिर आप वीडियो बनाते हैं, तो आप पंप पे नौकरी क्यों करते हैं, तो ये कुछ सवाल आपके मन में होगा कि आप गाड़ी चलाते हैं या नहीं चलाते। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इस टाइम जो है गाड़ी चलाने जाता हूँ पंप की, और वो भी मैं जो है ड्रेस पहन के घर से ही जाता हूँ। मैं वैसे पहन के नहीं जाता हूँ ड्रेस, ना गाड़ी में पहनता हूँ, बस घर पे पहन के फिर यहाँ से मैं जाता हूँ। तो यहाँ का एरिया कुछ देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो है पानी का प्रबंध किया हुआ है। तो कुछ पीछे का बैकग्राउंड आपको दिख रहा होगा, फ्रंट कैमरे से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि बैक से पकड़ने के लिए स्टैंड चाहिए और उससे बहुत दिक्कतें आती है। तो फ्रंट से मैं जो है वीडियो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ बना करके। तो आज आप पे कुछ सवाल होते हैं, उस सवाल को मैं जो है आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहला सवाल है कि गाड़ी 80 की स्पीड पर होती है तो हम ब्रेक कैसे लगाएँ। तो सबसे पहली बात तो 80 की स्पीड बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाती है, इतनी स्पीड में तो आप गाड़ी कभी चलानी नहीं चाहिए। जब आपको ज़्यादा ही इमरजेंसी अगर आती है तब उस टाइम जब आप 80 की स्पीड में गाड़ी चला सकते हैं, वरना आप जितना हो सके 80 की स्पीड में गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं, ये आपके लिए हानिकारक होती है। अब बात आती है कि हम जो है उसको कंट्रोल कैसे करें, स्पीड को, 80 की स्पीड को कंट्रोल करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं है, लेकिन कंट्रोल आप ब्रेक कैसे लगाएं। तो ब्रेक आपको जो है धीरे धीरे करके आपको ब्रेक लगाना है, एक अच्छे तरीके से धीरे धीरे आप पेडल को दबाइए, ब्रेक पेडल को धीरे धीरे करके। एकदम से अगर आप लगाओगे तो आपकी गाड़ी ज़्यादा कंट्रोल में नहीं हो पाएगी। और यहाँ पे इस सवाल का आप समझ सकते हैं कि 80 की स्पीड पे अगर आप एक बाइक में भी अचानक से ब्रेक लगाते हो तो आपके टायर जो है फिसल जाते हैं, क्योंकि बाइक में तो अगले जो होते हैं अगले भी ब्रेक होते हैं पिछले भी होते हैं, लेकिन गाड़ी में सभी का एक ही ब्रेक होता है, तो उसमें कुछ दुर्घटना आपके साथ हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे SMB LMB लाइसेंस का कितने दिन में हो जाता है। तो भाई मैंने जो है कभी SMB LMB नहीं बनाया था, क्योंकि मैंने फ़िलहाल ही में 2-3 साल पहले बनवाया था, तो उसमें कुछ नियम लागू कर दिए थे सरकार ने। इसमें नियम ये है कि आप अगर 1 साल आपका जो लाइसेंस होता है तो उससे आप जो है अपना हैवी लाइसेंस बनवा सकते हो। तो मैंने उसी से जो अपना हैवी लाइसेंस बनवाया था, तो मुझे उन चीज़ों के बारे में तो देखिए मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, SMB LMB ये मैंने नहीं बनाया। तो मैंने लाइट से लेके सीधा हैवी लाइसेंस अपना बनवाया था, 1 महीने की मेरी ट्रेनिंग हुई थी, वो भी रोडवेज ट्रेनिंग बस से, तो मैंने इस तरीके से अपना बनवाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि गाड़ी किस सिचुएशन में बंद होती है। तो गाड़ी सिचुएशन में बंद तब होती है तब आपका माइंड एक फ्रेश माइंड नहीं होता, माइंड में टेंशन होती है बहुत ज़्यादा, आप सोचते हो, घबराहट जब आपको होती है या फिर किसी तरह से आप घबराहट जाते हैं, झिझकते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो इन चीज़ों से आपकी गाड़ी जो है बंद होती है। बार बार धोने का तो कोई कारण नहीं होता है। क्लच को आप जो है धीरे धीरे करके छोड़िए क्लच को, और फिर धीरे धीरे करके रेस दीजिए, गाड़ी आपकी कभी बंद नहीं होगी। फर्स्ट या सेकंड गियर में गाड़ी को उठाइए तो ये आपके लिए बेटर होगा। बस कुछ इस तरह की नॉलेज आपको देखने वाला था इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाद में घंटी को ज़रूर दबाएं और पाएं हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो चलो दोस्तों, आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।